100 किलो के प्याज लगभग यहाँ पे छिलाना स्टार्ट हो गया है। तो प्याज को इस तरीके से छिला जा रहा है ऊपर का छिलका। काटने का तरीका देखो भाई, कितना हाइजीन तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है भाई, मशीन से यहाँ पे कटिंग हो रहा है। मशीन से अभी देखिए कितना बढ़िया स्लाइस हो गया प्याज। तो गाइस देख सकते हैं अभी यहाँ पे चिकन की ग्रेवी तैयार होने वाली है। हरा गोल के सूखा मिर्चा, तेल गरम हो चुका था, इसमें खड़े मसाले डाले गए। प्याज को धीरे धीरे छिड़ाया जा रहा है, नमक डाल दे रहे हैं। अब इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे नमक के साथ प्याज को। ठीक है, 30 किलो डाला गया भैया, 20 मिनट सर अभी और गलेगा। और ये देखो साइज देखो गाइस लेग पीस का, वाह भाई वाह। हो गया नमक, हजार 1500 के करीब लेग पीस अभी यहाँ पे डीप फ्राइड होगी। लेग पीस चेकआउट करो गाइस, ये अभी रेडी हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से सारे लेग पीस जो है हर बैच में निकाले जाएंगे। गाइस अब इसमें अदरक का पेस्ट गया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर जा रहा है इसमें, देख सकते हैं थोड़ा और हल्दी का पाउडर जा रहा है। प्याज तो गल गया है मोटा मोटी, अब मसाला भून जा रहा है। प्याज देख सकते हैं गाइस पूरा ऑलमोस्ट गल चुका है, 80% गल चुका है, 20% ही बचा हुआ है बस। इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे भैया। धनिया पाउडर डाल के बढ़िया से तरीके से इसको मिक्स किया जा रहा है। देख सकते हैं गाइस अब इसमें जीरा पाउडर जा रहा है पिसा हुआ। तो अभी गाइस आ गया लाल सूखा मिर्च का पाउडर, कलर के लिए बढ़िया कलर, लाल कलर एकदम आता है इससे। इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करा जाएगा मसाला के साथ, इसको बहुत ही अच्छा आ रहा है मसाले का। कश्मीरी मिर्च और अभी इसमें जा रहा है कश्मीरी लाल मिर्च। इसके पहले जो लाल सूखा मिर्च का पाउडर गया था वो तीखा के लिए था, ये बेसिकली कलर के लिए हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं मसाला बढ़िया तरीके से भुन गया है और इसमें अब जा रहा है चिकन मसाला, 2 पैकेट जा रहा है चिकन मसाला का। तो अब इसमें गाइस गया देख सकते हैं मीट का मसाला चिकन मसाला के साथ साथ, 2 पैकेट चिकन मसाला भी गया है और 2 पैकेट मीट का मसाला भी जा रहा है। और बढ़िया तरीके से इसको चलाया जाएगा। तो मसाले की ग्रेवी चेक कर सकते हो गाइस, देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से प्याज सारा गल गया, मसाले भी मिक्स हो गए। रेडी हो गया, 10 मिनट तक इसी तरह भुना जाएगा। तब मैं आटा ले लिया गया है और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा जा रहा है गाइस। ये क्या डाल रहे हो भैया? घी है, घी डाल रहे हो। इसमें पानी डाल रहा है, ये देखिए गाइस इस तरीके से सारे आटे को धीरे धीरे सान के बकेट में निकाल दिया जा रहा है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे आ गया है चने का पाउडर है, ये इसको सत्तू बोलते हैं। ये नमक है। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर जा रहा है, ये काली मिर्च पाउडर है, और काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन दोनों मिक्स है, खूब बढ़िया तरीके से मिलाया जाएगा। देख सकते हैं इसमें तेल कितना गया। तो अब चलिए चलते हैं मरीन ड्राइव और इसकी प्लेटिंग दिखाते हैं कि और कैसे प्रिपेयर होता है आगे का प्रोसेस। ये देख सकते हैं चिकन लिट्टी का काट अभी प्रिपेयर हो रहा है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे तवा चढ़ गया, लिट्टी की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं आटे के छोटे छोटे लोई बनाई जा रही है। तो देख सकते हैं गाइस जितने भी लेग पीस थे सारे एक एक करके इस तरीके से बढ़िया तरीके से दम तवे पे सजाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लिट्टी बनाया जा रहा है। और आपको एक और चीज दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई कितना छोटा लड़का लिट्टी बना रहा है। वाह भाई 13 साल का लड़का यहाँ पे देख सकते हैं लिट्टी बना रहा है। वाह भाई कितना बढ़िया तरीके से लिट्टी बना दिया है। और हम लोग ने आटे की मेकिंग देखी और सत्तू भी देखी कि थोड़े बहुत मसाले गए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी गया था इसमें और कुछ अजवाइन और मंगरेला भी गया था। जब तक ये इस कलर का ना हो जाए तो देख सकते हैं लिट्टी का कलर कितना सुनहरा आया है। हालांकि देखिए स्टफिंग देख सकते हैं गाइस, आप भीड़ देख सकते हैं मरीन ड्राइव की चिकन लिट्टी के कार्ट पे, भीड़ कितनी लग चुकी है।
ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिट्टी पक रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे लिट्टी को इस तरीके से चाकू से कट किया जा रहा है हाफ हाफ, और इस तरीके से तवे पे डाल दिया जा रहा है। तो फाइनली गाइस, जो हम लोग देखी थी पूरी ग्रेवी की मेकिंग, और यहाँ पे उस ग्रेवी को डाला जा रहा है तवे पे। थोड़ा सा पानी गया है ग्रेवी के लिए, पानी हालांकि वहाँ पे नहीं डाला गया था, यहाँ पे अब डाला गया था। इसको बढ़िया तरीके से 10-15 मिनट पकाया जाता है तवे पे भी, देख सकते हैं पहले वहाँ कढ़ाई में भी पकता है आधा, और फिर यहाँ पे गरम गरम यहाँ पे सर्व किया जाता है। कुछ ऊपर से मसाले डाले जाएंगे, सबसे पहले आया कस्तूरी मेथी, और ये इनका एक सीक्रेट मसाला होता है जिनको मिठाई मसाला बोलते हैं। ये सब देख सकते हैं गाइस, ये इनका सीक्रेट मसाला है, ये क्यूबिक शेप में होता है इस तरीके से, और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले प्लेट में लिट्टी आ गया गाइस, और मैंने तोड़ के लिया है क्योंकि मुझे तोड़ के खाना ज्यादा पसंद है। इस तरीके से अब इसमें थोड़ा घी जाएगा, देख सकते हैं 11 लेग पीस, ओ भाई आ गया लेग पीस प्लेट में, और अब जाएगा थोड़ा ग्रेवी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना थिक ग्रेवी है, और अब इसमें थोड़ा जाएगा कच्चा प्याज, चाट मसाला। तो अपना प्लेट बन के रेडी है, अब देख सकते हैं ये आ गया भाई अपना छिका लिट्टी का प्लेट। हम लोगों ने देखी इसकी पूरी मेकिंग, इतना बढ़िया तरीके से इसको डीप फ्राइड किया गया था, और उसके बाद यहाँ पे तावे में मसाले डाल के लिट्टी के साथ फ्राई किया जाता है। और लिट्टी तो यहाँ पे भाई गर्मा गर्म एकदम पका के दिया जाता है कोयले की आंच पे सेक के, और ऊपर से जो घी डालता है ना, आए हाय मजा आ जाता है भाई।